लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज असम और त्रिपुरा में है। असम की 5 लोकसभा सीट और त्रिपुरा की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। असम में 51 उम्मीदवार, त्रिपुरा के 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। वोटिंग के लिए सभी पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 16वीं लोकसभा के लिए 9 फेज में होने वाली वोटिंग में आज पहले दौर का मतदान है। आज महज 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आज जिन 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें से 5 सीट असम की है, जबकि 1 लोकसभा सीट त्रिपुरा की है। इन 6 सीटों पर करीब 75 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले बात असम की। असम की 5 लोकसभा सीटों तेजपुर, जोरहाट, कलियाबोर, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर में करीब 51 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 64 लाख वोटर करेंगे। राज्य में कांग्रेस, बीजेपी, असम गण परिषद, जीएमसी, आम आदमी पार्टी, एसयूसीआई, सीपीआईएम, एआईएफबी और समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में हैं। अगर बात सीटों की करें तो कलियाबोर सीट से इस बार मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई भी कांग्रेस से किस्मत आजमा रहे हैं। गौरव का मुकाबला एजीपी के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार और बीजेपी के एमके सौकिया से होना है। वहीं तेजपुर सीट पर इस बार एजीपी के मौजूदा सांसद जोसेफ टोपो को कांग्रेस के बी बोरा, निर्दलीय उम्मीदवार मणि कुमार सुब्बा और बीजेपी के रामप्रसाद शर्मा से कड़ी टक्कर मिल रही है। देश के सबसे अमीर सांसदों में से एक मणि कुमार सुब्बा कभी कांग्रेस के टिकट पर सांसद थे, लेकिन इस बार निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। जबकि जोरहाट सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री बी के हांडिक से एजीपी के प्रदीप हजारिका, सीपीआई के ध्रुपद और बीजेपी के कामाख्या प्रसाद से मुकाबला है। डिब्रूगढ़ सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री पवन सिंह घटोवार को बीजेपी के रामेश्वर तेली से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं लखीमपुर में कांग्रेस के रानी नाराह का मुकाबला राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सोरबानंद सोनोवाल से है। हम आपको बता दें कि आज जिन 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से 4 सीट कांग्रेस के कब्जे में है, जबकि 1 सीट असम गण परिषद के पास है। हम आपको बता दें कि असम में 3 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब उल्फा ने वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान नहीं किया है, फिर भी सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब बात त्रिपुरा की। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से आज सिर्फ 1 ही सीट पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट अभी सीपीआईएम के पास है और इस बार मुख्य मुकाबला सीपीआईएम के शंकर प्रसाद दत्त, कांग्रेस से अरुणोदय साहा और बीजेपी के सुधेंद्र दास गुप्ता से है। खास बात यह है कि आम तौर पर उत्तर पूर्व में कमजोर माने जाने वाली बीजेपी ने इस बार यहाँ से खासी उम्मीदें लगा रखी है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों में कई रैलियां की हैं।